नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौर जी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि टॉपिक वाइज चल रही हैं। दोस्तों, स्टैटिक पोर्शन है दोस्तों, इसमें हम आपको 20 क्वेश्चंस कराते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं दोस्तों खेलों से संबंधित प्रमुख कप और ट्रॉफियाँ। तो दोस्तों, ये अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन आपकी हर एक परीक्षा में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो संभावना है दोस्तों कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो पूछा जाए यहाँ से क्वेश्चन, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वीडियो हो जाएगी, क्योंकि कम समय में दोस्तों एक दो क्वेश्चन हो जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, बस आप वीडियो को शेयर किया करें अपने सभी दोस्तों में, जिससे कि दोस्तों ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे तो हमको भी मोटिवेशन मिले दोस्तों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, बिलियर्ड्स। तो दोस्तों, अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये नहीं याद है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अगर आप इनके आंसर नहीं दे पा रहे हैं। बस आप इनको एक बार देखें और अपने दिमाग में दोस्तों इनको बैठा लें, अगली बार आप देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो गया? फुटबॉल, ऑप्शन ए। कोपा कप जो है दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। दोस्तों, अब आप बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, जो सुधीर रमन कप है वो आपका संबंधित है बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। और दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए जो हमने करा दिए क्वेश्चन उन सभी की, तो आप WhatsApp पे मैसेज कर PDF ले सकते हैं। नंबर आपको दोस्तों हम वीडियोस में बता चुके हैं, तो वहाँ आप देख कर ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है? भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरेंट कप, IFA शील्ड। दोस्तों बताएं इसमें से, रॉबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, डूरेंट कप और IFA शील्ड। तो प्राचीनतम दोस्तों फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डूरेंट कप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, जो रोवर्स कप है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल। दोस्तों रोवर्स कप आपको बताना है कि किस खेल से संबंधित है। दोस्तों जो रोवर्स कप है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, हॉकी। दोस्तों जो डेविस कप है वो आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। किससे? लॉन टेनिस से संबंधित है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि थॉमस कप किस से संबंधित है? थॉमस कप दोस्तों आपको बताना है टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो थॉमस कप दोस्तों किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से दोस्तों ये संबंधित है, थॉमस कप बैडमिंटन से। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डूरेंट कप दोस्तों किस खेल से संबंधित है? अभी हमने आपको बताया था सबसे पुराना दोस्तों ये कप है, तो किसका ये सबसे पुराना? तो इसको तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, तो ये फुटबॉल का हो जाएगा। किसका दोस्तों? फुटबॉल का। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यूरो कप किससे संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, रग्बी, क्रिकेट। यूरो कप दोस्तों आपको बताना है, तो जो यूरो कप है दोस्तों वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स दोस्तों गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। कैसे? गोल्फ से दोस्तों संबंधित हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, वेटन कप किस खेल से संबंधित है? वेटन कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट,
फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो दोस्तों बताएं वेटन कप दोस्तों किस खेल से संबंधित हो जाए, तो वेटन कप आपका हो जाएगा हॉकी से संबंधित। किससे दोस्तों? हॉकी से संबंधित हो जाएगा वेटन कप। वेटन कप किससे संबंधित हो जाएगा? हॉकी से संबंधित हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ओवर कप किस खेल से संबंधित है? ओवर कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, ब्रिज, बैडमिंटन, वॉलीबॉल। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो ओवर कप है दोस्तों वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो ओवर कप आपका बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। थॉमस और ओवर कप दोस्तों दोनों किससे? बैडमिंटन से संबंधित हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेलिंगटन वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़, हवाई दौड़। घुड़दौड़, हवाई दौड़, नौकायन, मोटर रेस। तो दोस्तों वेलिंगटन ट्रॉफी बतानी है आपको कि ये किस खेल से, तो ये हो जाएगी दोस्तों नौकायान से। किस से? नौकायान से। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है एजरा एजरा कप, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, नौकायान, पोलो, हॉकी। दोस्तों बताएं इसका सही आंसर। तो जो एजरा कप है दोस्तों पोलो से संबंधित हो जाएगा। किससे दोस्तों? पोलो से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? कोनिका कप दोस्तों आपको बताना है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, ब्रिज, पोलो, निशानेबाजी। दोस्तों जो कोनिका कप हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित। किससे? बैडमिंटन से संबंधित कोनिका कप। दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? राइडर कप बताना है दोस्तों आपको किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन है आपके सामने लॉन टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ। तो बताएं दोस्तों, तो ये राइडर जो कप है दोस्तों वो गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। किससे? गोल्फ से। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये, और आसान क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो रणजी ट्रॉफी है दोस्तों वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित रणजी ट्रॉफी हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है? विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, इटालियन ओपन। तो दोस्तों जो टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों विंबलडन होता है, यूएस ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, लेकिन इटालियन ओपन नहीं संबंधित। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? सबसे पुरानी दोस्तों हॉकी टूर्नामेंट बतानी है। फुटबॉल तो हम आपको ऊपर ही करा चुके हैं, अब आपको हॉकी बतानी, जो कि भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बैटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खान कप, ओवे दुल्ला, ओ गोल्ड कप। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बैटन कप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बैटन कप। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है डेविस कप, डूरेंट कप, थॉमस कप, ओवेयर कप। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जो पुरुषों की बैडमिंटन यानी मेल बैडमिंटन है, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका थॉमस कप, और फीमेल का ओवेयर कप होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध किस खेल से है? राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता, राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। तो आपका क्या स्कोर रहा 20 में से दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको कैसी लगी तो लाइक करें दोस्तों वीडियो को, और शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखें दोस्तों चैनल पर जाकर। आपको कई वीडियो हमने प्रोवाइड करा दी हैं, तो आप सभी उन वीडियोस को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।